अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कराची फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। प्यारी सी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का आगाज़ करेंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं सेवइयां बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है, आपने भी ज़रूर बनानी है ईद पे। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि फिर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सेवइयां बनाने के लिए तेल लिया है मैंने आधा कप। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। चीनी एक कप है, चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे चीनी को और इसकी चास बना लेंगे हम। और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाएगी तो हमने गैस को बिल्कुल लो कर लेना है, क्योंकि इससे छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और इससे फिर हाथ जलने का खदशा होता है। पानी डालने के बाद चाशनी बिल्कुल घुल गई है पानी में। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, पिस्ता, तिल और चार मगज़ हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने जितने भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने हों सेवइयों में, तो आप इन्हें पानी के अंदर ही ऐड किया करें सेवइयां डालने से पहले, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेवइयों में मिक्स भी हो जाते हैं। और यहाँ पे सेवइयां ली हैं मैंने दो कलर की। दो कलर की मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इससे कलर अच्छा लगता है, और आपने भी दोनों ही कलर इस्तेमाल करने हैं। अगर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं। सेवइयों को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सिर्फ एक से दो मिनट लगते हैं इन सेवइयों को पकने में। सेवइयों को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे एक से दो मिनट लगते हैं इन सेवइयों को पकने में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को आपने देखना है। और आपने भी ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये सेवइयों की रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार सी हमारी गर्मा गर्म सेवइयाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और तिल से। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल कराची फूड को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ मैं होंगी हाज़िर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।